अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हम रेसिपीज़ में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे इंशाल्लाह ताला। आज हम बना रहे हैं पालक वाली माश की दाल, बहुत चटपटी और मज़ेदार। आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। एक पाव पालक को छोटा छोटा काट कर वॉश कर लिया है। एक पाव माश की दाल को अच्छी तरह से वॉश किया और 2 घंटे के लिए भिगो दिया। एक हांडी में 4 टेबलस्पून ऑयल को गर्म कर लिया है और उसमें शामिल करूंगी 2 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। आप चाहें तो किसी पतीली में बना सकते हैं, लेकिन हांडी में ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। इसको फ्राई कर लेंगे। 1 मिनट के लिए अदरक और लहसुन को फ्राई किया है। अब मैं इसमें 2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च शामिल कर रही हूँ, हल्दी 1/2 टीस्पून, नमक 2 टीस्पून या फिर हसब जायका, थोड़ा सा पानी शामिल कर रही हूँ ताकि मसाले ना जलें। अच्छी तरह से भून लेंगे। मसाला भून चुका है और आप देख सकते हैं कि बबल्स ऊपर आ रहे हैं। अब हम इसमें दाल शामिल कर देंगे, साथ ही हम पालक भी शामिल कर देंगे। इसे हम भून लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए तेज आंच पर। अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी, तकरीबन 1 लीटर या फिर 4 गिलास। दाल में बॉईल आने लगा है। अब जो इसका फेन ऊपर आया है उसे हम रिमूव कर देंगे। चाहे हम कोई सी भी दाल पकाएं, उसका हमें फेन रिमूव करना होता है। अब हम इसे कवर कर देंगे और दाल गल जाने तक पका लेंगे। जी फ्रेंड्स, दाल गल चुकी है। अब हम इसमें शामिल करेंगे, मैंने 1 टेबलस्पून जूलियन कट हुई हुई अदरक ली है, उसे मैं हाफ इसमें शामिल कर रही हूँ, हाफ गार्निशिंग के लिए रख दूँगी। और मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून पिसा हुआ गरम मसाला और 1 टेबलस्पून ही मैंने इसमें लेमन जूस का भी शामिल किया है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और चूल्हे को बंद कर देंगे। भगार के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, 1 छोटे साइज़ की प्याज को छोटा छोटा काट लिया है, 6 अदद छोटी वाली हरी मिर्चों को लंबाई में 2 कट कर लिया है, लहसुन 6 अदद बारीक कटे हुए, 1 टीस्पून ज़ीरा और साबुत लाल मिर्च 6 अदद। भगार के लिए मैंने आधी प्याली घी को गर्म कर लिया है, उसमें शामिल किया है साबुत लाल मिर्च, प्याज, लहसुन, ज़ीरा। फ्राई कर लेंगे सब चीज़ों को। जब फ्राई हो जाए तो चूल्हा बंद करने के बाद हरी मिर्चें भी शामिल कर देंगे। एक सर्विंग डिश में दाल को निकाल लिया है और उसमें लगा देंगे भगार। जी फ्रेंड्स, ये पालक वाली माश की दाल बहुत मज़ेदार बनती है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और चावल के साथ इसका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।